फार्मेसी क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। इसमें हम देखने वाले हैं कोल वाश। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़, तो अलग अलग हम क्या करेंगे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, हम कोल को वाश क्यों करते हैं, राइट। दूसरा हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, नॉर्मल कोल और वाश कोल में क्या अंतर होता है। तीसरा टॉपिक हो जाएगा कोल का, जो वाश कोल करते हैं उसका साइज कितना रहता है, राइट। और उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा, कोल को हम वाश कैसे करते हैं, जो हमारा नॉर्मल कोल है उसको वाश कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। फिर वाश कोल के लिए कौन सा केमिकल, आप वाश कर रहे हैं तो केमिकल यूज करेंगे तो कौन सा केमिकल यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। फिर वाश कोल का टीएम, जो टोटल मॉइस्चर और एस नॉर्मल से कम होता है कि ज़्यादा होता है, इसको देखने वाले हैं। उसके बाद वाश कोल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, राइट, इसके बारे में देखेंगे। फिर वाश कोल का जो ग्रेड रहता है, नॉर्मल कोल से कम रहता है कि ज़्यादा रहता है, ठीक। तो ये सब टॉपिक में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कोल को वास क्यों करते हैं, है ना। हम जानते हैं कि जनरली कोल माइंस में क्या होता है, ब्लास्टिंग में क्या होता है, कोयले के अलावा जो यहाँ पे सैंड स्टोन रहता है, सेल रहता है और बहुत सारी अशुद्धियाँ उसमें क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, जिससे क्या होता है कोयले का जो ग्रेड है, डिक्लियर ग्रेड, जैसे मान लो G11 है, तो उसमें क्या आ जाएगा, रेत आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा और सेल आ जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिलने से उसका ग्रेड क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। मान लो G11 है तो क्या हो जाता है, G13 हो जाता है। अब उसी को हम पावर प्लांट में ले जाते हैं तो उसका जो एफिशिएंसी है वो हमको प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होता है, ये तो चलो पावर प्लांट है, अगर उसी को हम स्टील में ले जाएंगे तो स्टील में क्या करेगा, उसका एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोल को वास करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल कोल वास कोल में अंतर, ठीक है। नॉर्मल कोल वास कोल में अंतर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि क्या होता है, वास कोल केवल हमारे पास कोयले रहेगा, राइट। और लेकिन वास कोल क्या रहता है, थोड़ा सा ड्राई रहता, क्या रहता है, वेट रहता है, गीला रहता है। लेकिन हमारे पास जो क्या रहता है, नॉर्मल कोल रहता है, जो माइन से लाया जाता है, वो क्या रहता है, थोड़ा सा क्या रहता है, ड्राई रहता है, सूखा रहता है। लेकिन उसमें क्या रहता है, सेल रहता है, सैंड स्टोन रहता है और बहुत सारे क्या रहता है उसमें, अशुद्धियाँ रहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्या होता है, ब्लास्टिंग से मिलता है या ट्रांसपोर्टिंग के जरिए क्या होता है, उसमें अशुद्धियाँ मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दो टॉपिक हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं वास कोल का साइज कितना होता है। तो वास कोल के लिए क्या होता है, वास कोल का साइज जनरली 50 mm रहता है। 50 mm क्या कैसे आता है, तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर है। जैसे क्या होता है, नॉर्मल कोल को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा, ठीक है, कुछ नहीं करना है। नॉर्मल कोल जो माइन से आ रहा है उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा एक हापर रहता है, ठीक है, जहाँ क्या वासरी में, कोल वासरी में एक हापर रहता है। तो उस हापर में, उस हापर का साइज अलग अलग रहता है। जैसे मान लो 100 mm का रहेगा, फिर 50 mm का रहेगा, तो क्या करते हैं, हापर में जो ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा ट्रक से या रेल से कहीं से भी ला के उसमें क्या करते हैं, डालते हैं। अगर रेल से आया है तो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू रहेगा, अगर हमारे पास ट्रक से आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली किसी के द्वारा हो जाएगा, तो वहीं हापर में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हापर कैसा रहता है, यहाँ एक ऐसा रहेगा, ठीक है, एक इस प्रकार, और यहाँ से क्या आता है, ट्रक आता है। यहाँ से ट्रक क्या करता है, खाली करता है, मान लो इस हापर में जो उसका साइज क्या रहेगा, -50 mm रहेगा, ठीक है। इस हापर में जब कोयला को डालेगा, मान लो 100 mm रहेगा, 200 mm रहेगा, उसको क्या करता है, इसमें से डालता है और पास कराता है। फिर ये हापर क्या करता है, ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू क्या करता है, ये आगे बढ़ाता है। तो हमारे पास जो कोल का साइज है, वास कोल का साइज कितना रहता है, 50 mm रहता है, ठीक है। क्योंकि जो बाहर से आया हुआ कोल को पहले हापर में डालते हैं, हापर से क्रश होता है, क्रश होकर ही वो क्या करता है, आगे बढ़ता है ना। कोल वास होने से पहले उसका साइज को क्या करता है, 50 mm में कर दिया जाता है, राइट, इसको याद रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, कोल को वास कैसे करते हैं, राइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, कोल को हम वास कैसे करते हैं। तो देखिए, जनरली हमारे पास क्या आया, हम 50 जो कोल है, कोल माइन से लाते हैं। कोल माइन से लाने के बाद क्या करते हैं, हम इसको, हम हापर है, हापर में हम उसको क्रश किए, क्रश करने के बाद हमारे पास कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि कैसे प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है, राइट। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ से डाले हैं, ये कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट से क्या होता है, ये आगे जाता है। तो आगे जाता है तो इसमें क्या रहता है, एक
मशीन सा लग रहा था। यहाँ भी एक क्या रहता है, एक यहाँ पे एक तालाब जैसा रहता है या कुआं जैसा बना रहता है, उसमें क्या रहता है पहले से पानी भरा रहता है। पानी भरा रहता है तो उसमें क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू क्या करते जाता है, पूरा क्या होता है कोयला जाते जाता है। अब उसमें क्या होता है, पूरा कोयला, जो कोयला रहता है जितना कोयला हो क्या होता है ऊपर बैठ जा ऊपर रहता है, और जितना अशुद्धियाँ हैं जो सेल है, सैंड स्टोन है, रेत है, वो क्या हो जाता है नीचे बैठ जाता है। तो हमारा नेक्स्ट अभी इसमें केमिकल, केमिकल हम क्यों कौन सा यूज करते हैं, तो हम नाइट्राइड यूज करते हैं, याद रखिएगा नाइट्राइड, राइट। नाइट्राइड का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि क्या करता है, वाटर का डेंसिटी बढ़ा देता है कंपेयर कोल का। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, कोयला ऊपर हो जाता है और पानी क्या हो जाता है नीचे हो जाता है। मतलब उस कंडीशन में पानी भारी हो गया है, उस वहाँ पे पानी भारी होने के कारण क्या हो गया, कोयला ऊपर हो गया, लेकिन रेत और सैंड स्टोन और हमारे पास जो सेल है वो क्या हो जाएगा नीचे बैठ जाएगा। मतलब जितना भी अशुद्धियाँ हैं वो क्या हो गया नीचे बैठ जाएगा, केवल हमारे पास जो कोल है वो क्या रहेगा हमारे पास जो ऊपर में रहेगा। अब फिर से यहाँ पे क्या है, एक कन्वेयर बेल्ट है नीचे से, तो वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू क्या होता है नीचे जाता है, और यहाँ से क्या होता है हमारे पास जो वास कोल है कैसे वास करते हैं, यहाँ हमारे पास क्या रहता है नॉर्मल कोल आता है। देखिएगा यहाँ हमारे पास क्या है नॉर्मल कोल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा नॉर्मल कोल है। अभी इसका वाश नहीं हुआ है, इसका साइज भी 100 mm या -250 mm है। तो इसको क्या करते हैं, पहले हम हापर में डालते हैं जहाँ पे क्या होता है क्रश होता है, कितना साइज में -50 mm में, राइट। -50 mm में कोल क्या होता है क्रश होता है, क्रश होने के बाद आगे जाता है, आगे उसको बेल्ट कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जाता है। तो फिर आगे में क्या होता है, एक क्या रहता है तालाब जैसा, एक गोलाकार रहता है तालाब जैसा या कुआं जैसा, कम गड्ढा रहता है उसका, ठीक है। तो उसमें जाता है और पूरा कोयले, जो जितना कोयला कोयला रहेगा क्या हो जाता है ऊपर हो जाता है, और जितना अशुद्धियाँ है क्या हो जाता है नीचे बढ़ जाता है। नीचे उसको अशुद्धियाँ जितना भी रहता है उसका अलग से एक रहता है कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, वो अलग चला जाता है, ठीक है। तो पानी में क्या होता है कोयला पूरा ऊपर आ जाता है, क्यों आता है, तो नाइट्राइड की वजह से। नाइट्राइड जब वाटर में डालते हैं तो क्या हो जाता है उसका डेंसिटी क्या हो जाता है बढ़ जाता है, कंपेयर किसके कोल के, तो कोल क्या हो जाता है हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कोल पानी में ऊपर आ जाता है। तो ऊपर आता है तो जितना कोयला कोयला रहता है वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू क्या हो जाता है आगे चला जाता है। मतलब जो हमको मिला अब कोयला वो प्योर कोल है, ठीक है, जो कि हम आगे उसको ले गए हैं और आगे उसको क्या कर लिए डंप कर लिए। अब यही डंप किया हुआ कोयल क्या करते हैं हम पावर प्लांट में या स्टील पावर प्लांट में अलग अलग जगह हम क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट का क्या रहता है, ये भी अलग अलग रहता है, हो सकता है ट्रक से जाता है, हो सकता है कन्वेयर बेल्ट के थ्रू डायरेक्ट पावर प्लांट में जाता हो, या हो सकता है अलग अलग वो करके हम वेगन से, ये मतलब अपनी सुविधा के अनुसार से वास कोल वाले क्या करते हैं भेजते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी का भी काम करता है, जैसे कि कोल केवल कोई कोल वास करने के लिए काम करता हो दूसरे का, ठीक है, कोई दूसरा लाया कोल वास किया कोई तीसरा को दिया, ठीक है, ये उधर की बात है। हमको मेन सीखना है कि कोल वास कैसे करते हैं, राइट। अच्छा, अब वास कोल का टोटल मॉइस्चर एस नॉर्मल कोल से ज़्यादा होता है कि कम होता है, तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास जो अब यहाँ पे कोल हमको प्राप्त हुआ है क्या है, बहुत ही गीला है कंपेयर किसके, कंपेयर नॉर्मल कोल के। नॉर्मल कोल क्या रहता है, थोड़ा सा सूखा रहता है, इसको तो हम पानी से धो के निकाल रहे हैं, तो ये क्या है ये गीला ही रहेगा। तो इसका टोटल मॉइस्चर क्या रहता है जनरली इसका नॉर्मल कोल से ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि क्या होता है आज का मैं अभी दिसंबर का मौसम चल रहा है प्रेजेंट में, तो उसमें क्या होता है अभी का हमारा जो जनरली औसत एवरेज हम अगर टोटल मॉइस्चर का बात करते हैं तो 15 से 20 है। अब हो सकता है आप बोलोगे कभी 20 आ जाता है कभी 8 आ जाता है, नहीं आप मैं एवरेज बता रहा हूँ, हो सकता है 25 जाए हो सकता है 10 आ जाए, तो मैं एवरेज का बता रहा हूँ। अभी दिसंबर के मौसम में आपको जनरली 15 से 20 टोटल मॉइस्चर देखने को मिलेगा नॉर्मल कोल में, राइट। जबकि इसमें हमारा ऐसा नहीं होता है, इसमें जनरली एवरेज 20 हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है बहुत ही ज़्यादा गीला रहता है। गीला कोल को भी हम क्या करते हैं वहाँ पे ले जाते हैं। और बिटुमिनस कोल क्या होता है याद रखिएगा, जो हमारे यहाँ पाया जा रहा है वो मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा गेन करता है, ठीक है, मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा गेन करने के कारण क्या होता है उसमें टोटल मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, इसलिए आप जनरली देखे होंगे कि उसको ढक के ले जाते हैं, ठीक है। जनरली कहाँ कहीं भी ट्रांसपोर्टिंग होता है बिटुमिनस का तो क्या करते हैं उसको ढक के हमेशा ले जाते हैं, ताकि इन्वायरमेंट से क्या करता है वो हम
मॉइस्चर गेन ना करे, ठीक, इसीलिए क्या करते हैं उसको ढक के ले जाते हैं। तो टोटल मॉइस्चर क्या होता है, नॉर्मल कुल से ज़्यादा होता है, बट एस जो रहता है क्या होता है, एस कम कंपोनेंट क्या होता है, कम होता है कंपेयर नॉर्मल कुल के, क्योंकि क्या करते हैं हम जितना अशुद्धियाँ था उसको हमने पहले ही भी बाहर कर चुका, तो क्या रहेगा, एस क्या हो जाएगा, कम, टोटल मॉइस्चर ज़्यादा। ये टोटल मॉइस्चर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और एस क्या रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा कम। ये दो चीज़ को आपको याद रखना है, एस कंपोनेंट कम हो जाएगा, टोटल मॉइस्चर बढ़ जाएगा, ठीक, नॉर्मल कोल के कंपेयर में। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, कोल का यूज बताया, कोल का यूज हम अलग अलग जगह कर सकते हैं, जैसे कोल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिक जनरेट के लिए, स्टील पावर प्लांट में, क्योंकि अभी क्या है हमारे पास प्योर कोल है, ठीक है, तो इसको हम अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं और स्टील पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं। स्टील प्लांट में जनरली हम क्या करते हैं, कोकिंग कोल ही यूज करते हैं, क्योंकि देखो क्या है उसमें प्योर कोल चाहिए, ठीक है, प्योर कोल इसलिए चाहिए क्योंकि उसको क्या होता है, उसका जो हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है प्योर कोल की ज़रूरत रहता है, जैसे एंथ्रासाइट हो गया जिसका क्या होता है एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए क्या करते हैं वहाँ हाई एनर्जी वाला कोल ही भेजते हैं कंपेयर लो एनर्जी का, ठीक है। लो एनर्जी को हम थर्मल पावर प्लांट में भेजते हैं क्योंकि वहाँ का बॉयलर हम उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है, वो हाई कोल को एकदम क्या करता है एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसीलिए हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि मिक्स करके, मिक्स जीसीबी निकाले थे, मिक्स करके ही हम क्या करते हैं उस बॉयलर में डालते हैं, ताकि वो उस एफिशिएंसी को क्या कर सके, एक्सीव कर सके और अपनी क्षमता को बनाए हुए आगे क्या करते बढ़ा सके, ठीक। अब वास कोल का ग्रेड कैसे रहता है, वास कोल का ग्रेड का बात करें तो नॉर्मल कोल से क्या करते हैं, एक ग्रेड कम करके करते हैं, जैसे कि वो मार्केट से या कोई कोल माइन से क्या करता है G11 का कोल लाता है, उसको वास करता है, वास करने के बाद क्या करता है उसको G10 कर देता है, उसका डिक्लियर ग्रेड कितना कर देता है, G10 कर देता है, ठीक है, हो सकता है G9 कर दे, मतलब कोयले का क्या होता है क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी, अब यहाँ पे जो हमको कोल का क्वालिटी जो प्राप्त हुआ है उस कोल का क्वालिटी देखते हैं कि G10 के लायक है, मान लो G11 लाया है तो G10 के लायक है कि G9 के लायक है, तो उसको क्या करते हैं एक ग्रेड या दो ग्रेड अपने हिसाब से क्या करते हैं कम करते हैं, क्योंकि क्या है उसको ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगता है, उसको वाशिंग का चार्ज लगता है, तो ये सब मिला के क्या करता है उसको, अगर ग्रेड कम नहीं करेगा तो उसको कुछ हो, क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, इसीलिए क्या करता है इसको कम करना पड़ता है, राइट। तो जितना भी आप मार्केट में देख लीजिएगा उस कोल का क्या रहता है ग्रेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा कोल वास है, इतना प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कोल वास करते हैं, इतना ही टॉपिक आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, तो सबसे पहले हमने देख लिया कोल को वास क्यों करते हैं, जान लिए उसका जितना भी गंदगी है या अपशिष्ट पदार्थ है उसको हटाने के लिए हम कोल को वास करते हैं, नॉर्मल कोल का और वास कोल का साइज बताया, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ उसको अलग कर दिए, अगर वो इंक्लूड है तो नॉर्मल है, अगर हटा दिए तो वही वास है, दोनों में अंतर यही है, बस हल्का सा नॉर्मल में आपको याद रखना है, हो सकता है आपको इंटरव्यू में ये पूछा जाए। कोल का साइज को बताया मैंने, कोल का साइज नॉर्मल में आपको हो सकता है 100 mm में मिले, -250 mm में मिले, उसको लेकिन हापर में जाके 50 mm में क्रश करते हैं बिफोर कोल वास, याद रखिएगा, राइट। और उसके बाद हमने देखा था कोल वास को कैसे करते हैं, तो ये पूरा हमारे पास प्रोसीजर था, वीडियो में फिर देख सकते हैं। केमिकल आपको बहुत ज़्यादा यूज याद रखना है, नाइट्राइड जो क्या करता है वाटर की डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण कोल ऊपर हो जाता है पानी नीचे हो जाता है, इसको याद रखना, राइट। फिर TM ज़्यादा रहता है, एस कम रहता है, और यूज पावर प्लांट में और स्टील पावर प्लांट में ग्रेड का बात करें तो ग्रेड इसका क्या होता है कम ही करके देते हैं, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे कोल वास का प्रोसीजर हो जाएगा, और जितना यूज होता है ये आज का कवर हो गया, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।